जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन हर किसी को इसकी चुनौतियां आसानी से मान लेनी चाहिए। लिया अपनी किस्मत के सरप्राइजेस से खुश है और जानती है कि फायदा कैसे उठाना है। हालांकि इसमें टॉम का फायदा है, लेकिन बेचारे साथी रॉस का मुश्किल वक्त चल रहा है। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, जेल का शो शुरू होता है। पैसे वाली मेडिटेशन बहुत असली है, और ये रही एक वार्डन जो कि एक बाथ अटेंडेंट की तरह है। थके हुए टॉम को आरामदायक ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। रॉस की पीठ ठीक होना मुश्किल है, इसका मतलब है एक हल्का हार्ट। एक मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क के बारे में क्या ख्याल है? एक लड़के के साफ सुथरे हाथ, ये सुंदर है। रॉस भी इसके बारे में नहीं भूलता। साफ कानों के बिना अच्छी तारीफें सुनना नामुमकिन है। बुलबुलों वाला एक स्नो वाइट बाथ या एक काम चलाओ कप शॉवर। एलेक्स थोड़ी उलझन में है, लेकिन दूसरे लोगों को अलग चीजें पसंद हो सकती। अमीर लड़के को दूसरी तरकीब सूझी है। वार्डन के बिना यह तरकीब पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अब टॉम को सलाखों पर खड़े होने से इतनी उदासी नहीं होगी। बेहद खुशी और बेशर्मी। अरे नहीं, उसे ये नहीं करना चाहिए। ओह, ये बहुत गंदा है। चेस टूर्नामेंट पूरे जोश में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टॉम को चाल चलने की कोई जल्दी नहीं है। एक मिनट, दो, तीन, शक का कोई अंत नहीं है। क्या होगा अगर? कला से भरी लिया की तरफ से एक भयानक चाल। रॉस ने एक काबिल विरोधी चुना है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत उसके खिलाफ हो गई है। एक गरीब लड़के की दुखदाई हार। खैर, अपनी बचाई हुई चीजों को बांटना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। जब पैसे होते हैं तो स्वीट्स खरीदना आसान होता है। लिया के साथ छोटी सी बातचीत और स्वादिष्ट रसीले डोनट्स पहले से ही टॉम के हाथों में है। स्वीट्स की एक पूरी प्लेट। अब उसे क्या करना चाहिए? खैर ठीक है, परेशान क्यों होना। क्या लिया ने रॉस के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है? ऐसा नहीं हो सकता। भिखारी के गुस्से की कोई हद नहीं होती। वो दिखाने वाला है कि वो कितना लायक है। क्या फेंका है? सच्चाई का पल। रॉस ने अपनी पैदाइशी जेल की जमीन को छोड़ दिया है। आखिरकार उसे प्यारी सी ट्रीट मिल ही गई है। कितनी दुख की बात है। चालाकी से कुछ फेंकना और सख्त वार्डन पहले से ही वहां है। कोई इच्छा पैसों के लिए? हाँ, अमीर लड़का स्वीट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। कितना कोमल स्वाद है। लिया को धन्यवाद देने के बारे में क्या ख्याल है? रॉस के लिए भी लंच का वक्त है। एक टिन के कप में उबले हुए फल कुछ अच्छी ड्रिंक नहीं है। एक और के बारे में क्या ख्याल है? अमीरों के अपने चोंचले होते हैं, डिजाइन वाले भी। ऐसा लग रहा है कि टॉम को जेल में आर्टवर्क की याद आ रही है। गार्ड से किसी भी एहसान की उम्मीद मत रखना। इसमें कोई शक नहीं कि रॉस के इरादे पक्के हैं। वो चालाक है और उसके पास सारा सामान है। मदद के लिए एक खुरपी। वो क्या है? जाहिर है कि गरीब लड़का परेशान हो जाएगा। थोड़ी सी शारीरिक कोशिश और लगभग आजादी मिल ही जाएगी। क्या अचानक मुलाकात है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत नहीं चाहती कि उसके सपने सच हों। ऐसा लग रहा है कि रॉस को बात करने के लिए दोस्त मिल गया है।
वो क्या है? अनदेखा लक। एक छोटा सा एक्रोबेटिक स्केच और गरीब के हाथ में चाबियां हैं। कोठरी के ताले की प्यारी सी आवाज और आजादी। कितनी कमजोर सलाखें। खुशी बहुत कम वक्त की थी। कठोर लिया ने फिर से इंसाफ कर दिया है। रॉस को थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। सोने के वक्त वाली कहानियां टॉम को सुलाने में मदद नहीं करती और यहाँ तक कि लिया एक शहर यार्ड की तरह स्थिति को नहीं बदलती। गरीब रॉस फिर से हार रहा है, अब एक मुलायम बिस्तर के बिना। अगर आप सोच सकते हैं तो हिम्मत खत्म करने की जरूरत नहीं है। एक कागज वाला बिस्तर भी बुरा नहीं है, है ना? एक मिनट और अमीर लड़का रंगीन सपने देख रहा है। हाँ, बहुत ही कीमती ध्यान है। फायदे की महक फिर से हवा में है। लिया इस खुशबू से परिचित है। टॉम को कुछ स्वादिष्ट चाहिए। स्वीट्स की एक बड़ी सी रेंज। यहाँ खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक चॉकलेट बार एक बेहतरीन हल है। यहाँ तक कि रॉस को भी रैपर मिला है। बहुत दयालु है। एक और खुशी से भरा सरप्राइज। और फिर से हाथ की सफाई और कोई धोखेबाजी नहीं। गरीब लड़का कला से भरा हुआ है। एक स्वस्थ और मीठी नींद अब दे दी गई है। गार्ड में बदलाव। गरीब एलेक्स, ओ रॉस की वो गुप्त कल्पनाएं। टॉम फिर से कुछ करने वाला है। जेल की कोठरी में फास्ट फूड की डिलीवरी होना असलियत में एक सपना है। पैसे लिया को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। ये जादुई महक कैसी है? क्या असली तरीका है? रॉस मछली पकड़ने जाना चाहता है, लेकिन टॉम को फंसाना आसान नहीं है। क्या बेहतरीन पकड़ है! 32% बहुत खुश है। क्या बदलाव है! फल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं है। टॉम जानता है कि किसकी ओर मुड़ना है। चॉकलेट के साथ फल खुशी वाले हार्मोन का एक जरिया है। अब अमीर लड़का खुश है, लेकिन उसे दूसरों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। एक इमरजेंसी की वजह से रॉस की लंच की नींद बर्बाद हो गई है। क्या हो रहा है? शायद पाइपलाइन में गड़बड़ है। नहीं, सब कुछ थोड़ा ज्यादा गंदा है। बस अभी किसी ने एक बहुत बुरा मजाक करने का फैसला किया है। कितनी सोची समझी साजिश है। रॉस को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि उसे अपनी शानदार तरकीबें हर किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चुपके से भागना खतरे से खाली नहीं है, और ये तेज बोलने वाले टॉम की गलती है। भागने से रोकने के लिए गुस्से से भरी वार्डन एलेक्स सब कुछ करेगी, और जब तक वो रास्ते में है, रॉस शेफ बन गया है और जल्दी से कागज से खाना बनाना सीख लिया है। सबूत को मिटाने का एक और असाधारण तरीका। यहाँ कितने फटे हुए कागज हैं? ऐसा लगता है कि खुद को बचाने के लिए रॉस की पैंतरेबाजी सफल रही। उसके अंदर धोखा देने का असली गुण है। सलाखों के पीछे तोहफे मिलना दुगनी खुशी की बात होती है। तो यहाँ क्या है? अब पक्का है कि टॉम बोर नहीं होगा। गरीब लड़के के बारे में क्या? शायद यहाँ उसके लिए भी एक तोहफा इंतजार कर रहा है। कोई पैसे नहीं, कोई मौके नहीं, एक असाधारण पेपर गैजेट। जिंदगी में हर चीज के लिए सभी को पैसे देने होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमीर लड़के ने पैसे खर्चने की हद पार कर दी है। उसे क्या करना चाहिए? साफ तौर पर वो एक लग्जरी सेल के आराम को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा लग रहा है कि पैसों की खोज सफल नहीं रही।
लेकिन टॉम हार नहीं मानता। बस बहुत हुआ, लिया का सब खत्म हो गया है, जिसका मतलब ये है कि टॉम की आलीशान जिंदगी भी खत्म हो गई है। किस्मत का कैसा मोड़ है, ऐसा लगता है कि सुनहरे लड़के के पास एक नया दोस्त है। वो अच्छा था लेकिन अब वो जा चुका है। जो चीजें हो चुकी हैं उन पर रोने का कोई मतलब नहीं है।